हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जनरल क्लासेस। मैं पावनी मिश्रा आज लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक अलग सा टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के सभी 22 भाग। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारा, बस एक एक लाइन में ही अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, दो तीन बार रिपीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाग एक में क्या है। संघ और उनका राज्य क्षेत्र। ओके, भाग एक में क्या है? संघ और उनका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं भाग दो, इसमें क्या है? नागरिकता है। भाग दो में क्या है? नागरिकता। पहले में आया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, पहले क्षेत्र आया, फिर लोगों की क्या आएगी? नागरिकता आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग थर्ड, इसमें क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ही बोलते हैं ना, ये वही है भाग थर्ड में। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं भाग फोर, इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक जो दिए जाते हैं वो इसमें है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाग चार का काम में क्या है, इसमें है हमारे मूल कर्तव्य, मतलब हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं वो हमारा दिया है भाग चार में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग पाँच में, इसमें कौन सा है? तो इसमें हो जाता है पाँच में संघ है, भाग पाँच में संघ के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग सिक्स, इसमें क्या है? इसमें हमारा राज्य के बारे में बताया गया है, भाग सिक्स राज्य के बारे में। छः राज्य हम इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। और भाग सात को निरस्त कर दिया गया है, भाग सात नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग आठ, इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। क्या? संघ राज्य और क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग नौ, इसमें क्या है? पंचायत है, नौ में पंचायत है। और नौ के भाग नौ के खा में क्या आता है? नगरपालिका। और खा में आता है सहकारी समितियाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भाग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति। ओके, अब देखते हैं भाग ग्यारह, भाग ग्यारह में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। ओके, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग बारह, इसमें क्या? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद। ओके, वित्त मतलब फाइनेंशियल, संपत्ति, संविदाएं और विवाद, ये सब कौन से भाग में आते हैं? ये सब आते हैं भाग बारह में। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ट्वेल्थ क्लास में ये सब समझने की कोशिश करते हैं अपने घर की संपत्ति और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। ओके, ऐसे ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है भाग थर्टीन, इसमें क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ओके, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग 14, इसमें क्या है? इसमें है संघ और राज्यों के अधीन सेवा। ओके, तो भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा भाग 15 और इसमें आ जाता है क्या? निर्वाचन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग 16, 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ओके, कुछ मतलब स्पेशल थिंग्स होते हैं वो इसमें रखे गए हैं। ओके, कुछ मतलब वर्ग होते हैं उनके लिए, ठीक है। भाग 17 में आता है राज्य भाषा। क्या? राज्य भाषाएं किस में आती हैं? भाग 17 में, ये तो याद ही होगा, नॉर्मल कॉमन सा है। और नहीं है तो 17 ऐसे भी याद कर सकते हैं, 17 में भाषा। ओके, 17 भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा भाग 18 और इसमें आता है आपात उपबंध। क्या? इमरजेंसी उपबंध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग 19, इसमें क्या है? प्रकीर्ण। ओके, 19 में है प्रकीर्ण। अब आ जाता है भाग 20, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संविधान का संशोधन किस भाग में है, तो ये हमारे भाग 20 में संविधान का संशोधन है। ओके, भाग 20 से संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस भाग में दे रखा है? भाग 20 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाग 21, इसमें क्या है? अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट वन भाग 22, इसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता, बस इंफॉर्मेशन के लिए है, बाकी ये जो दिए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है। एक ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट और एक ये, बट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ों की होनी चाहिए, तो इस वजह से सारे बताए गए। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।